चलो, तो हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, है ना। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बताया कि कोर्टेक्स पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। मेडुला में पिरामिड्स बने होते हैं। कोर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला के बीच में धंसा हुआ है, यानी मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में धंसा हुआ है, उसे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। क्लियर है। और मेडुलरी पिरामिड मेडुला का हिस्सा होते हुए भी कोर्टेक्स के अंदर धंसे हुए हैं, तो इन्हें मेडुलरी पिरामिड को क्या कहा जाता है? एम्बेडेड इनटू कोर्टेक्स, पार्ट ऑफ मेडुला। क्लियर, समझ रहे हो? ये है। अब फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई होगी तभी ये फिल्टर कर पाएगी ब्लड को, समझ रहे हो? जैसे फिल्टर करके यूरिन बनाना है, वो ही नहीं आया तो क्या इससे काम चलेगा? तो वो ब्लड कैसे आता है, कैसे यहां से फिल्टर होकर वापस आता है, ये बातें की थी। ठीक है, अब हम बात करें कि ये सब कुछ होता कैसे है। तो किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रोन। तो लिखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रोन। क्या है? नेफ्रोन। और नेफ्रोन किस तरह से प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये बात कर लेते हैं। तो देखो, वापस चलते हैं हम उसी स्ट्रक्चर पे। किस स्ट्रक्चर पे? किडनी वाले पे। हम लोगों ने यहाँ कहा कि मेडुलरी पिरामिड्स में नेफ्रोन है, किस तरह से है ये देखते हैं। तो देखो, ये जैसे एक मेडुलरी पिरामिड है। क्लियर है, एक मेडुलरी पिरामिड है और इस पिरामिड में प्रेजेंट है नेफ्रोन। अब तुम लोग ध्यान देना, इस पिरामिड से, इस पिरामिड का जो एक्सिस है, इस पिरामिड से ऊपर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स है। क्लियर है। और नीचे वाला पार्ट है मेडुला, इस तरह से। तो देखो, अब हम बात करते हैं यहां नेफ्रोन किस तरह से प्रेजेंट। नेफ्रोन यहां प्रेजेंट है कि उसका पहला पार्ट जो बोमन का कैप्सुलर स्ट्रक्चर कहलाता है, बोमन कैप्सूल, ये फिर इसकी एक्सटेंशन जो पहला कोइल्ड पार्ट होता है पीसीटी, ये नेफ्रोन के पार्ट इस मेडुलरी पिरामिड से बाहर होंगे। फिर इसके अंदर आता है इसका एनले लूप वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है, इस तरह से। और ये हेनले लूप आ गया करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। फिर इसका सेकंड कॉइल पार्ट फिर बाहर आ जाता है मेडुलरी पिरामिड से और यहां जुड़ता है ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट के साथ। और कलेक्टिंग डक्ट ऐसी डक्ट होती है जिसमें एक नहीं तकरीबन 4,000 नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। ये हमें कैसे पता कि भाई इसमें 4,000 जुड़े हुए हैं? ये हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता करने से मालूम पड़ता है कि भाई इसमें 4,000 नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हैं। और ऐसे कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये यहाँ कई सारे नेफ्रॉन होंगे, उन सब नेफ्रॉन से अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी होगी और वो कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती है। ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से जुड़ करके एक कॉमन डक्ट बनाती है जो इस मेडुला, सॉरी, इस मेडुलरी पिरामिड के बाहर की तरफ ओपन होती है। क्लियर है। पहले इन्हें लेबलाइज करो, दो पार्ट हम लोगों ने बनाए हैं। ये जो पहला पार्ट है ये है बोमन कैप्सूल बीसी, फिर पीसीटी है नेफ्रोन का पार्ट, फिर ये स्ट्रक्चर है हेनले लूप एचएल, नेक्स्ट ये सेकंड कॉइल्ड पोर्शन डीसीटी है और ये है कलेक्टिंग डक्ट सीडी, समझ रहे हो? अब ये कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट और इस साइड से आई दूसरी कलेक्टिंग डक्ट, दूसरी सीडी। इन दोनों कलेक्टिंग डक्ट ने जुड़ करके जो डक्ट बनाई है, इसे कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी। साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया, तो उसी के नाम पे दे दिया डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर है। डक्ट ऑफ बेलिनी कलेक्टिंग डक्ट के मर्ज होने से बनती है। कलेक्टिंग डक्ट मर्ज हुई, डक्ट ऑफ बेलिनी बनी। ये बाहर की तरफ ओपन होती है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है इस तरह का, जिसे हम लोग कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। क्लियर है। रीनल पैपिला के थ्रू ओपन होती है ये बाहर की तरफ, इस तरह से, समझ गए? अब रीनल पैपिला के थ्रू ओपन होती है, तो
इसी डक्ट ऑफ बेलिनी को हम लोग कुछ टाइम या कुछ कंडीशंस में या कुछ बुक्स में पेपिलरी डक्ट के नाम से पढ़ते हैं, पेपिलरी डक्ट भी इसे ही कहते हैं, क्लियर है? क्योंकि ये डक्ट रीनल पेपिला के थ्रू ओपन हो रही है। अभी रीनल पेपिला के थ्रू ओपन कहाँ होती है, तो हम लोगों ने कहा था हर एक मेडुलरी पिरामिड के लिए किडनी के अंदर एक माइनर कैलेक्स है जहां वो ओपन होगा, क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है इसका माइनर कैलेक्स। ऐसे ही पास वाले पिरामिड का माइनर कैलेक्स होगा, ऐसे ही इस साइड वाले पिरामिड का माइनर कैलेक्स होगा, क्लियर है? फिर उससे आगे वाले का जुड़ा होगा, फिर उससे आगे वाले का जुड़ा होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं माइनर कैलेक्स। ये क्या है? माइनर कैलेक्स। समझ गए? और ऐसे तीन माइनर कैलेक्स मिलकर के ओपन होते हैं एक मेजर कैलेक्स में। ये क्या है? मेजर कैलेक्स, क्लियर है? और मेजर कैलेक्स फिर ओपन होता है रीनल पेल्विस में। समझ रहे हो? मेजर कैलेक्स कहां ओपन होता है? रीनल पेल्विस में। तो ये स्ट्रक्चर है जिससे पता चलता है नेफ्रोन की अरेंजमेंट कैसी है। अब यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि भाई नेफ्रोन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कुछ पार्ट तो कोर्टेक्स में है, कुछ पार्ट मेडुला में है। अब कोर्टेक्स में कौन कौन सा पार्ट है? तो कोर्टेक्स में नेफ्रोन का बीसी है, ठीक है? कोर्टेक्स में नेफ्रोन का पीसीटी है, कोर्टेक्स में नेफ्रोन की डीसीटी है, क्लियर है? जबकि मेडुला में क्या क्या है? मेडुला में नेफ्रोन का हेनले लूप है और नेफ्रोन की कलेक्टिंग डक्ट है। ये पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं नेफ्रोन के, क्लियर है? समझ गए? और ये उनकी पोजीशन है। निपटाओ इसे, निपटाओ जल्दी। निपटाओ, हो गया? अभी हो गया नहीं, जल्दी निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, पर थोड़ा सा स्मूथली और अच्छा डायग्राम बनाना है, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है नेफ्रोन का, कहाँ प्रेजेंट है? कि ये प्रेजेंट है इस मेडुलरी पिरामिड में। तो इसे भी लेबलाइज कर ही लो, ये स्ट्रक्चर क्या है जिसमें नेफ्रोन प्रेजेंट है? ये है मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड है, क्लियर? ये नेफ्रोन के पार्ट है, बीसी पीसीटी डीसीटी एचएल सीडी, ये अपन बात करेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है? जब नेफ्रोन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा, मैं बता भी दूं तो तुम लोगों को, ठीक है? तो जस्ट ये समझो कि ये नेफ्रोन है, नेफ्रोन यहाँ प्रेजेंट है। नेफ्रोन के पार्ट में से कौन से पार्ट कोर्टेक्स में आते हैं, कौन से पार्ट मेडुला में आते हैं, ये देख लो, ठीक है? समझ गए? तो ये नेफ्रोन है और इस तरह से नेफ्रोन से आगे का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, समझ गए? तो अगर मैं कहूं कि भाई किडनी है जो अपनी, वो यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, यूरिन फॉर्म करती है, क्लियर? अब वो यूरिन फॉर्म करती है तो वो यूरिन कहां से कहां तक जाता है? किडनी फॉर्म कर रही है मतलब किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर रही है, समझ रहे हो? यानी नेफ्रोन फॉर्म कर रहा है तो वो यूरिन कहां से कहां तक जाता है? तो हम लोग बात करें कंडक्शन ऑफ यूरिन की, कंडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन की कंडक्शन की, क्लियर है? तो देखो यूरिन का कंडक्शन कैसे पता चलेगा? पहली बात, नेफ्रोन यूरिन बनाता है, बट जब तक यूरिन नेफ्रोन के अंदर होता है ना, उसे यूरिन नहीं कहते। तो क्या उसे रामफल कहते हैं? नहीं, अभी वो बना है फिल्ट्रेशन से, ब्लड की फिल्ट्रेशन से, तो उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। पहली बार नेफ्रोन टर्म यूज होगी जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो भाई क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रोन का पार्ट नहीं है? ना ना ना, कतई ना। मतलब कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रोन का पार्ट नहीं है, एक कलेक्टिंग डक्ट में तकरीबन 4000 नेफ्रोन जुड़े हुए हैं, समझ गए?
इसलिए तो भाई यूरिन ट्रम पहली बार यूज होती है जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, सीडी में आ जाता है। तो पहली बार यूरिन सीडी में कहलाया, क्लियर है? सीडी से आगे कहाँ जाएगा? तो सीडी मिलकर के बनाती है, कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के बनाती है डक्ट ऑफ बेलिनी, क्लियर है? डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी में आएगा। डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ आगे फिर कहाँ ट्रांसफर करती है इसको? तो डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल पेपिला के थ्रू आगे ओपन होती है, तो आगे वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा रीनल पेपिला, क्लियर है? तो रीनल पेपिला में आ गया। रीनल पेपिला से कहाँ जाएगा? रीनल पेपिला ओपन होता है आगे माइनर कैलेक्स में, तो माइनर कैलेक्स में आ गया, क्लियर है? माइनर कैलेक्स में आ गया यूरिन। अब माइनर कैलेक्स से कहाँ जाएगा? माइनर कैलेक्स ओपन होता है मेजर कैलेक्स में, तो यूरिन आ गया मेजर कैलेक्स में, क्लियर है? मेजर कैलेक्स में आ गया। अब मेजर कैलेक्स से आगे यूरिन कहाँ जाता है? तो मेजर कैलेक्स से यूरिन इंटर करता है रीनल पेल्विस में, क्लियर है? रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में आ गया। और रीनल पेल्विस से आगे कहां जाएगा? भाई रीनल पेल्विस क्या है? यूरेटर का एंटीरियर स्वेलन पार्ट है, तो यहां से ये यूरेटर में आ गया, क्लियर? यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर और यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है कंडक्शन ऑफ यूरिन, या फिर हम लोग कहें पाथ ऑफ यूरिन, समझ रहे हो? क्लियर है? सीडी से कलेक्टिंग डक्ट से स्टार्ट क्यों हुआ भाई? क्योंकि पहली बार यूरिन टर्म का यूज कलेक्टिंग डक्ट में करते हैं, याद रखना, ठीक है? ये कंडक्शन ऑफ यूरिन है, इस स्ट्रक्चर के साथ ही डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? समझे? समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं। ये थी नेफ्रॉन की प्रेजेंस किडनी में। तो अब नेफ्रॉन की प्रेजेंस जब समझ आ गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ हमारी किडनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? किडनी के बारे में जो बातें करनी थी वो कर ली। अब हमें बात करनी है नेफ्रॉन के बारे में, बट नेफ्रॉन के बारे में बातें अभी नहीं करेंगे। रीजन, कारण, भाई नेफ्रॉन के बारे में बात हम लोग करेंगे लास्ट में। लास्ट में कब? जब हम लोग ये चारों स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स कंप्लीट कर चुके होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यानी किडनी कंप्लीट हुई है अभी, अभी यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा तीनों बाकी है, ये तीनों कंप्लीट करने के बाद नेफ्रॉन फिर से अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए, समझ रहे हो? चलो तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है यूरेटर, क्लियर है? यूरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर में दो होते हैं, यानी पेयर्ड है, जोड़ी में है। सेकेंड कि ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कि भाई जो यूरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? तो ये कंडक्ट करते हैं यूरिन को कहां से कहां? फ्रॉम किडनी, किडनी से लेते हैं और किसे देते हैं? टू यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर तक, क्लियर है? समझ गए? किडनी से यूरिनरी ब्लडर तक यूरिन को कंडक्ट करने का काम है यूरेटर का, समझ आया? चलो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप है। अब इस पाइप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो इसका एंटीरियर पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट है, वो थोड़ा सा सूज जाता है, स्वेल अप हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं इस यूरेटर का एंटीरियर स्वेलन पार्ट, ठीक है? एंटीरियर स्वेलन पार्ट जो है वो क्या होता है? वो स्ट्रक्चर है जो कि किडनी में इंटर करता है हिलस या हिलम के थ्रू, और इसे हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, क्लियर है? ये है रीनल पेल्विस, इसका एंटीरियर स्वेलन पार्ट, क्लियर? स्वेलन पार्ट, समझ गए? ये होता है रीनल पेल्विस। और अगर बात करें भाई यूरेटर के बारे में, तो यूरेटर कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक पाइप है, पाइप का काम है यूरिन को लेकर के जाना।
तो भाई यूरिन फॉर्म हो रहा है किडनी के अंदर। अब यूरिन ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है। ज्यादा बनेगा ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, कम बनेगा कम प्रेशर के साथ जाएगा। अब बाय द वे ज्यादा प्रेशर के साथ जा रहा है पाइप, ये अगर हार्ड होगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा और ये तो अपनी वॉल्यूम में कोई चेंज करेगी नहीं, हार्ड है तो ये फटने का डर रहेगा, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, समझ रहे हो कैसे। तो देखो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां फ्लेक्सिबिलिटी वाला एपिथीलियम डाला जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, या फिर इसे बोलते हैं इलास्टिक एपिथीलियम, इलास्टिक एपिथीलियम। ये प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, ऑन इनर साइड, यूरेटर के अंदर की तरफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम या इलास्टिक एपिथीलियम प्रेजेंट है। और ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम इलास्टिक एपिथीलियम क्या करता है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो, ताकि हाई प्रेशर के कारण ये फटफटा ना जाए, समझ गए। चलो नेक्स्ट भाई, यूरेटर जो है ना अपने, ये जब यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करते हैं ना, हम लोगों ने कहा दो हैं, दोनों इंटर करते हैं ना तो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे तिरछे खुलते हैं, समझ गए, एक दूसरे के सामने तिरछे खुलते हैं, डायग्राम में भी देखा होगा तुम लोगों ने। तो तिरछे खुलते हैं मतलब इनकी ओब्लिक ओपनिंग होती है, ओब्लिक ओपनिंग होती है, ओब्लिक ओपनिंग इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में ओब्लिकली ओपन होते हैं। अब भाई ऐसा क्यों किया गया, इनको ओब्लिकली ओपन क्यों किया गया एक दूसरे के सामने, नॉर्मली भी तो ओपन कर सकते थे। ओब्लिक ओपनिंग देने का रीजन है कि भाई यहां वाल्व नहीं होते इनके आगे, और यूरिनरी ब्लैडर का काम है, यूरिनरी ब्लैडर भरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि वो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। अभी तो तुम लोग दीवार पे डिजाइन बनाते हो क्योंकि वो प्रेशर से आता है, प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, समझ गए, तो डिजाइन इस वजह से बनते हैं। अब भाई वो प्रेशर के कारण, कॉन्ट्रेक्शन के कारण है, जब यूरिन आगे जा रहा है हो सकता है वो बैक फ्लो भी कर ले, वापिस यूरेटर में चढ़ आए, ठीक है, दोबारा पाइप में चढ़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए जनरली वाल्व होते हैं किसी भी चीज के आगे, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, समझ रहे हो। यहां वाल्व नहीं है ना ही लगा सकते, तो इन दोनों के एक दूसरे के सामने तिरछा खोल दिया, ठीक है, ताकि बैक फ्लो भी हो, तो इसके अंदर जाते हुए ये रोक ले, इसके अंदर जाते हुए ये रोक ले, समझ गए। तो बैक फ्लो रुक जाए इसलिए ये ओब्लिक ओपनिंग दी गई है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का बैक फ्लो ना हो इसलिए ओब्लिक ओपनिंग दी गई है। नेक्स्ट, अब भाई एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मान लो अपना यूरेटर है, ठीक है, ये अपना यूरेटर है, ये किडनी में इंटर कर रहा है यहां से, ये यूरेटर है, ये यहाँ किडनी में एंटर कर रहे हैं, क्लियर, समझ गए। चलो ये हिस्सा इसका, ये है एंटीरियर स्वेलन पार्ट जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो एक बार डिनोम इसको लेबलाइज करो, डोनेट डिनोट करो, सॉरी क्या करोगे, ये हिस्सा है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस थोड़ा सा स्वेलन होने के साथ साथ थोड़ा सा फोल्ड पार्ट भी है, यानी यहाँ जैसे फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, और फोल्ड है इसी टिश्यू के जो यूरेटर बना रहा है, ये टिश्यू के फोल्ड्स हैं। तो भाई क्या होता है, यहाँ
उन फोल्ड्स में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाए बॉडी में कि भाई यूरिन से वाटर लेवल तो कम कर दिया गया, यूरिन के अंदर यूरिन से वाटर कतई निचोड़ लिया गया, वापस सोख लिया गया, समझ लो रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की यूरिन में से, और यूरिन में वाटर लेवल हो गया कम, वाटर लेवल कम है तो यूरिन में कंपैरेटिवली साल्ट ज्यादा हो गए। और ये साल्ट्स क्या करते हैं अगर ऐसी कंडीशन बनी, ये साल्ट्स क्या करेंगे, ये साल्ट्स यहां फंसने लगेंगे इन फोल्ड्स के अंदर, ठीक है, फंसने लगेंगे। और फिर साल्ट एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते 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 कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना लेंगे, और ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म फिर सॉलिड हो जाएगी और ये बन जाएंगे स्टोन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें रीनल पेल्विस में स्टोन देखने को मिलते हैं, ये है रीनल स्टोन, रीनल स्टोन, या फिर इन्हें कहते हैं रीनल कास्ट, या फिर इन्हें कहते हैं रीनल कैलकुली, क्लियर है, रीनल कास्ट, रीनल कैलकुली या रीनल स्टोन। अब ये स्ट्रक्चर्स, ये स्टोन्स जैसे तुम लोग जनरली पत्थरी के नाम से जानते हो, ये कैसे बनते हैं, तो पहली बात बनते किस चीज के, ये जनरली बनते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट या फिर कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्सीलेट या कार्बोनेट के डिपोजिशन से। तो तुम लोग ये लिखो बाय डिपोजिशन ऑफ, बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इनके डिपोजिशन से ये साल्ट, ये कैलकुली, ये स्टोन बनते हैं, क्लियर, समझ गए। और इनका पेन अनबियरेबल होता है, कतई तकड़े वाला दर्द होता है, मतलब आहा मजा आ जाता है, इतना दर्द होता है, ठीक है। अब फिर क्या किया जाए भाई, इनका होता है ट्रीटमेंट, इलाज कैसे होता है, तो जनरली तुम लोग जानते हो ऑपरेशन करके काट के निकाल के बाहर फेंक दे, वापिस बांध दे इनको, यूरिनरी ब्लैडर को, सॉरी रीनल पेल्विस को, यूरेटर के हिस्से को। बट जनरली ऑपरेशन किया जाता है लास्ट कंडीशन में, जब कोई सोर्स, कोई ट्रीटमेंट, कोई अल्टरनेट ना बचा हो हमारे पास। बट अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो क्या अल्टरनेट यूज किया जाएगा, तो वो होता है ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है एक थेरेपी को, और वो थेरेपी है हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, क्लियर है, हाइड्रोथेरेपी का यूज होता है। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है भाई, पेशेंट को पिलाया जाता है पानी, कन्ने बिठा लियो मरीज ने, सर रख लियो ड्रम भर के पानी को, दे बोतल दे बोतल दे बोतल पिलाओ, और फिर दे बोतल दे बोतल दे बोतल निकालो भी मुंह, मतलब कतई बाईपास कर देते हैं मरीज को, समझ रहे हो, पिलाते रहते हैं निकालते रहते हैं, पिलाते रहते हैं निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं मतलब टूटी लगा के छोड़ दी उसके मुंह में, मुंह में दे के छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है, बट उसको रेगुलरली मतलब वाटर ड्रिंक करवाया जाता है, समझ गए, और फिर उससे यूरिनेशन करवाई जाती है। अब ये ड्रिंक करना और यूरिनेशन करना, ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, इससे क्या होता है, अब बार बार पानी पिएगा किडनी में, वाटर लेवल ज्यादा बनेगा, मतलब बॉडी फ्लूइड ज्यादा होंगे तो वाटर लेवल ज्यादा होगा किडनी में, अब यूरिन में वाटर ज्यादा जाएगा, वाटर ज्यादा जाएगा मतलब यूरिन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ज्यादा बनेगा यानी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और ज्यादा प्रेशर से क्या होता है, अगर ये छोटे साइज के हो तो जनरली इस मैच्योरेशन पाथ से, इस यूरिनेशन पाथ से बह करके बाहर आ जाते हैं यूरिन के साथ, बड़े हो तो नहीं आते, छोटे हो तो आ जाते हैं। तो पहले साइज देखा जाता है, फिर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लियर, समझ गए। जनरली भी तुम लोगों को पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये डिपोजिशन की कंडीशन बने ही ना, समझ रहे हो। तो ये है यूरेटर, निपटाओ, ये यूरेटर है, हो गया, हो गया क्या, चलो ये था यूरेटर, ठीक है, सेकंड पार्ट, अब यूरेटर भी कंप्लीट हुआ।
अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट या थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, थर्ड पार्ट या फिर थर्ड स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। इस स्ट्रक्चर का क्या काम होता है? हालांकि ये सिंगल स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में एक ही होता है, और इस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? तो ये ब्लैडर है। ब्लैडर का काम क्या होता है? ब्लैडर का काम होता है जनरली स्टोर करना। क्लियर है? तो ये किस लिए दिया गया है? टू स्टोर, टू स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, क्योंकि बाद में तो बाहर ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दो मिनट वेट कर लो, ये शोर हो रहा है तब तक। चलो अब आई शांति। चलो अब बात कर रहे थे अपन किस चीज की, कि भाई यूरिनरी ब्लैडर किस लिए दिया गया है। तो यूरिनरी ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में दिया गया है यूरिन को स्टोर करने के लिए, हालांकि ये स्टोरेज टेम्परेरी स्टोरेज होगी। क्लियर है? टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज होगी, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा, फिर बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन को। क्लियर है? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें भाई कितनी को खात है इसकी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी कितनी का है, तो इसकी कैपेसिटी, इस ब्लडर की कैपेसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1000 ml, 800 ml से 1 किलो तक ही स्टोर कर सकता है। मैं किलो बोल रहा हूँ, लीटर, 800 ml से 1 लीटर तक ही यूरिन स्टोर कर सकता है, इतनी ही औकात है। इससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करेगा तो फट जाएगी इसकी दीवारें, समझ रहे हो? तो इतनी स्टोर कर सकता है ये इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट भाई ये जो ब्लडर है ना, ये स्टोर करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें दो सरफेस होती है। क्लियर है? एक तो इसकी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, और एक होती है इसकी इनर सरफेस। दो सरफेस है इस ब्लैडर की, आउटर सरफेस जो है और जो इनर सरफेस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आउटर सरफेस में प्रेजेंट है मसल्स। क्लियर है? और ये मसल्स बाय नेम ही लिख लो तुम लोग, कौन सी मसल्स है? आउटर सरफेस में प्रेजेंट है स्पेशल डेट्रूसर, डेट्रूसर मसल्स। क्लियर है? डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इनर सरफेस है उसमें क्या प्रेजेंट है? तो उसमें प्रेजेंट है ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट है। अब एक चीज देखो तुम लोग कि भाई यहां मसल्स भी प्रेजेंट है और ये इलास्टिक एपिथीलियम भी प्रेजेंट है, ऐसा कैसे हुआ? तो दोनों चीजें ही जरूरी है। क्यों भाई? ब्लडर है, स्टोर करना है, स्टोर करते वक्त वो फैलेगा, फैलेगा, फट ना जाए, इसलिए वहां इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। कौन देता है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब भाई उसको खाली होना है तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए चाहिए मसल्स, तो मसल्स कौन सी है? डेट्रूसर मसल स्पेशल है। ठीक है, समझ गए? डेट्रूसर मसल्स ऐसी मसल है जो कि प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, प्रेजेंट ओनली इन यूरिनरी ब्लडर, और कहीं नहीं है बॉडी में, यूरिनरी ब्लडर में ही प्रेजेंट है।
क्लियर है, एडट्रूसर मसल्स होती हैं, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब भाई जो ये स्ट्रक्चर है ना यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप है, क्लियर, ट्रायंगुलर शेप्ड, समझ गए, क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई ये दिखता कैसा है, इसके डायग्राम की, क्लियर है, इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखो ये निपटाओ तुम लोग, हम डायग्राम देखेंगे इसका, हो गया। चलो अब यूरिनरी ब्लैडर के डायग्राम पे आते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम कैसा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगुलर शेप होता है, क्लियर, ऐसा है ट्रायंगुलर शेप्ड, ऐसा ट्रायंगुलर शेप्ड। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, इंटर करती है हमारी यूरेटर, क्लियर है, और यूरेटर ओब्लिकली इंटर करेगी, यानी दोनों साइड से इंटर करेगी दोनों यूरेटर, और एक दूसरे के आमने सामने ओपन होगी, यानी इस तरह से तिरछी खुलेगी, ये है, क्लियर, इस तरह की ओपनिंग होगी यूरेटर की, समझ रहे हो, क्लियर है। और ये तो आउटर सरफेस बनाई है हम लोगों ने, ये जो बनाई है ना अभी, ये तो है इसकी आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में क्या होता है, आउटर सरफेस में प्रेजेंट है डेट्रूसर मसल्स, क्लियर है, डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट है। जबकि अब हम बनाते हैं इसकी इनर सरफेस, जहां ये फिल होता है ये इसकी इनर सरफेस होगी, क्लियर है, समझ गए, ये इसकी इनर सरफेस है, और इस इनर स्ट्रक्चर को जो फिल होता है ना यहां, इस इनर स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्राइगोन, ट्राइगोन, क्लियर है, समझ गए। और ये जो इनर सरफेस बनी है अभी, वो कैसी है, उसमें प्रेजेंट है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, क्लियर है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट है। अब ट्रांजिशनल एपिथीलियम किस तरह बनाएंगे, तो भाई यहां थोड़ी सी फीलिंग दे दो ट्रांजिशनल एपिथीलियम वाली, इस तरह, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, बायोलॉजी को समझने में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा जितना कंगारू रेट का हेनले लूप होता है, अब समझ गए ना कितना बड़ा, सबसे बड़ा रोल है। तो डायग्राम से बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझ आती है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, डायग्राम बहुत अच्छे बनाओ साथ साथ, ठीक है। तो ये है इनर सरफेस जिसमें ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट है, तो यहां भरेगी, क्लियर है, यहाँ यूरिन फिल होगा, और यूरिन ला कौन रहा है, तो ये यूरेटर ला रही है, क्लियर है, ये यूरेटर दोनों ही, ठीक है, तो ये है यूरेटर और ये भी यूरेटर है, ये दोनों यूरेटर यूरिन ला रही है इस यूरिनरी ब्लडर में भरने के लिए। अब भाई देखो एक चीज है, जब इस ब्लडर में यूरिन फिल किया जाएगा, इसे कैसे पता चलता है कि तेरी औकात 800 से 1000 ml है, इससे ज्यादा भर ले तो तू फट जाएगा या तेरी फट जाएगी दीवारें,
कैसे पता चलता है? इसकी दीवारों में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इसकी दीवारों में प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो खिंचातान को महसूस करेंगे। समझ रहे हो ना, जो किस चीज को महसूस करेंगे, फील करेंगे, सेंस करेंगे, खिंचातान को, मतलब स्ट्रेचिंग को सेंस करेंगे। ये क्या है? ये है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये क्या करेंगे? सेंस करेंगे कि स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है। और भाई अगर एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होने लगी ना, मतलब औकात पूरी होने लगी कि अब बस, अब इससे ज्यादा हुआ तो फट जाओगे, तो फिर ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं सेंसरी नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व, क्योंकि यही नर्व है जो सिग्नल लेकर के जाएगी। सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं किसके पास? CNS के पास, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास। और क्या कहते हैं? अरे बावली भूत रोक लेना तो पार्ट जैसी यूरिनरी ब्लड, मतलब ये स्ट्रेच रिसेप्टर CNS को बोलते हैं बस अब तो पार्टन हो रही है दीवारा, रोक ले, मतलब इतना ही फील करो अब औकात से बाहर जा रही है बात। तो फिर स्ट्रेच रिसेप्टर की इन सेंसेस को रिसीव करके CNS क्या करता है? CNS वापस सिग्नल भेजता है यहाँ इस आउटर सरफेस में प्रेजेंट मसल्स के पास। एक सिग्नल तो इन मसल्स के पास आता है, कौन लेकर के आएगी? तो ये लेकर के आती है मोटर नर्व। क्लियर है? मोटर नर्व लेकर के आती है किसके पास? इन मसल्स के पास, डेट्रूसर मसल्स के पास सिग्नल। कैसा सिग्नल है? कि भाई देखो अब औकात से बाहर जा रहा है मामला, अब तुम लोगों को काम आना पड़ेगा, मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ताकि ये खाली हो सके। अब ये खाली कैसे होता है? ये होता है इस रास्ते से खाली, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस रास्ते से। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये है वो यूरेथ्रा। इसके थ्रू खाली होता है। अब इसके थ्रू खाली होता है तो एक चीज ध्यान देना, इसमें लगे हुए हैं दो वाल्व, ठीक है, इसमें लगे हुए हैं दो वाल्व, दो स्पिंटर लगे हुए हैं, समझ गए? यूरेथ्रा में ये स्पिंटर खुलेंगे तभी ये रिलीज हो सकता है, समझ गए? दो स्पिंटर लगे हुए हैं। अब एक जो कि अंदर की तरफ है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर। और जो बाहर की तरफ है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर। इंटरनल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर। और ये जो स्पिंटर है ना, इनकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में भी डिफरेंस है, अंदर बाहर ही नहीं, इनकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो इंटरनल स्पिंटर है ना, ये तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में किस तरह का होता है? इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, बॉडी खुद काम करवाती है, समझ गए? अनैच्छिक है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता, बॉडी खुद काम करवाती है। जबकि एक्सटर्नल स्पिंटर जो है ये वॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। क्लियर है? समझ गए? ये हमारे हिसाब से खुलता बंद होता है, इसे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। चलो ये दो स्पिंटर हुए। तो भाई देखो जब ये फुल भर जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सेंसरी नर्व के थ्रू, तो सिग्नल आएगा मोटर नर्व के थ्रू, एक तो डेट्रूसर मसल्स के पास कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो तुम लोग ताकि यूरिनरी ब्लैडर खाली हो सके, और यहां से सिग्नल आता है इंटरनल स्पिंटर के पास, समझ गए, ताकि तुम भी खुल, ताकि यूरिन रिलीज किया जा सके, समझ गए? दो दिन सिग्नल आते हैं, समझ रहे हो? ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहां से ये इस मैकेनिज्म के थ्रू यूरिन रिलीज किया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? इस मैकेनिज्म को कहा जाता है मिक्चुरेशन,
मिक्चुरेशन होता है रिलीज ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, क्लियर है, समझ गए, यूरिन रिलीज करना, एक्सक्रीट करना, ये मिक्चुरेशन होता है, समझ रहे हो। अब मिक्चुरेशन न्यूरल कंट्रोल में है, समझ गए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई मिक्चुरेशन का जो न्यूरल कंट्रोल है उसे क्या कहते हैं, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का यूरिन रिलीज करने का जो न्यूरल कंट्रोल है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब एक चीज देखो, दो टर्म सामने आई है, मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन तो है यूरिन रिलीज करना, अब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, रिफ्लेक्स वर्ड आ गया ना, न्यूरल कंट्रोल में रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है ऐसे सिग्नल्स जिनको एनालाइज नहीं किया जाता, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है भाई, यहाँ यहाँ जैसे ही ये सिग्नल जाते हैं, पहली बात यूरिनरी ब्लड जो कंट्रोल होता है उसमें सोचने का काम नहीं होता, मतलब ये कैसा फंक्शन है, बिना सोचने वाला, और बिना सोचने वाले यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग सोच करके नहीं करते, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, और यूरिन रिलीज करना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है ये इनवॉलेंट्री है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसे कंट्रोल कर रहा है हमारा ANS, ANS ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, क्लियर है, इसे कंट्रोल कर रहा है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। अब ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इसके दो पार्ट है। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक पार्ट है SNS और एक पार्ट है PSNS, ठीक है। SNS होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, क्लियर है, और PSNS है पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, क्लियर है, समझ रहे हो। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है ANS ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, हम चाह करके मूत नहीं सकते, मतलब सॉरी मिक्चुरेशन नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब तुम्हारी इच्छा हो कि चलो मिक्चुरेशन करके आए, चलो नहीं कर सकते, फिर ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम जितनी बार भी जाते हो ना, जनरली मिक्चुरेशन चाहे थोड़ा हो जाता है, समझ रहे हो, वो क्यों होता है। तो भाई जरूरी नहीं कि मिक्चुरेशन 800,000 ml भरने के बाद ही हो, ये सिग्नल जो है ना ये जनरेट होने ये शुरू हो जाते हैं इसके 250 ml भरते ही, समझ रहे हो, यूरिनरी ब्लड में 250 ml यूरिन आ गया ना तभी सिग्नल जनरेट हो जाएंगे, और इतना यूरिन अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग रहता ही है हमारे यूरिनरी ब्लड में, ठीक है, इतना तो बनता ही रहता है, समझ रहे हो। तो लगभग 250 ml आते हैं सिग्नल जनरेट होने लग जाते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, और रिफ्लेक्स क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है SNS, PSNS, PSNS, यहां S लगाना भूल गए अपना ना, PSNS पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये क्या पार्ट है, मतलब ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं, तो एक चीज ध्यान देना, कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो ना कभी भी रुकेगा नहीं, ये चीज याद रखना, कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन कभी रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता कंप्लीटली। हम दिल का धड़कना रोक नहीं सकते, ना हमारी बॉडी रोक सकती है, हम हमारी पलकों का झपकना रोक नहीं सकते, ना हमारी बॉडी रोक सकती है। क्या किया जा सकता है भाई, इन्हें कम या ज्यादा किया जा सकता है, समझ रहे हो, इनवॉलेंट्री एक्शंस को बढ़ा दिया जा सकता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को घटा दिया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है, रोक नहीं सकते, ठीक है भाई। कम ज्यादा किया जा सकता है तो कैसे करते हैं, तो यही वो दो पार्ट हैं
जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करते हैं। कैसे? कि एसएनएस से वो सिग्नल जाते हैं जो कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस को कि हाइपर हो जाओ, ज्यादा हो जाओ। यानी इस कंडीशन में एसएनएस अगर सिग्नल दे रहा है मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है, अगर हम एग्जांपल मान के चलें, ठीक है। और पीएसएनएस ऐसे सिग्नल देता है जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री एक्शंस कम हो जाते हैं, सप्रेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, रुकते तो नहीं है, कम कर दिए जाते हैं। हार्ट बीट का एग्जांपल है तो हार्ट बीट कम हो जाती है, ठीक है। ये इनका जनरल फंक्शन है, मतलब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे एसएनएस उन सबको बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे पीएसएनएस उन सबको घटा देगा, घटाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो अब यहां ये जनरल था, एक्सेप्शन देखने को मिलती है दो केस में। एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज में, यानी हमें भूख लगना, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज, और एक हमारी यूरिनरी ब्लडर की एक्टिविटीज में, ये दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन है, दोनों के दोनों एएनएस से कंट्रोल होते हैं, और होना क्या चाहिए, एसएनएस सिग्नल भेजे तो दोनों को हाइपर होना चाहिए, पीएसएनएस सिग्नल भेजे तो दोनों को सप्रेस हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ध्यान दो, क्यों नहीं होता? एसएनएस एक्टिवेट होता है इमरजेंसी कंडीशन में, कंडीशन में मतलब फटने वाली कंडीशन में, मतलब फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सिग्नल भेजेगा ना, तब कैसी कंडीशन होगी, इमरजेंसी की कंडीशन होगी। और तुम्हें इमरजेंसी में लगा है, कुत्ता पीछे पड़ा हो, मैं तुम्हें यहां दबा के मार रहा हूं, तुम लोग कहोगे कि सर सर भूतिया है, कहोगे? नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त फील नहीं होता। तुम लोगों को छठी मंजिल से धक्का दे दूं, पता नहीं चलेगा तुम्हें कि तुम्हें वॉशरूम जाना था या नहीं, क्योंकि वो सिग्नल सप्रेस कर दिए गए। तो इमरजेंसी कंडीशन में सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस बढ़ाई जाती हैं, हाइपर की जाती हैं, दो को छोड़कर। कौन कौन सी? एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज, एक यूरिनरी ब्लडर की एक्टिविटीज। इमरजेंसी कंडीशन में तुम्हें कभी फील नहीं होगा, फ्रिज में रसगुल्ले रखे दिखाने हैं भाई, आहा फीलिंग आ गई, तुम्हें कभी फील नहीं होगा कि भाई वॉशरूम मेरा इंतजार कर रहा है, नेचर मुझे मिस कॉल दे रहा है, मैच्यूरेशन करके आनी है, समझ रहे हो? क्योंकि ये इन सिग्नल्स को सप्रेस कर देता है। जबकि पीएसएनएस एक्टिव होता है नॉर्मल कंडीशंस में, ये हर इनवॉलेंट्री एक्शन को सप्रेस करता है दो को छोड़कर, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी ब्लडर, इन दो की एक्टिविटीज को ये हाइपर करता है। कैसे भाई? नॉर्मल चिल मार रहे हो, सोफा है, बेड है, टीवी है, साथ में कोई बैठी है, बैठा है टीवी देखने के लिए, तब तुम्हें फील आता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, समझ रहे हो? यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज बढ़ी है, और तब तुम्हें फील आता है कि नेचर कॉल कर रहा था, चलो आंसर तो दे ही देते हैं, मतलब वॉशरूम तो जा ही आते हैं, मिक्चुरेशन तो कर लेते हैं ना, समझ रहे हो? उस वक्त फील होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में याद आता है तुम्हें, समझ रहे हो? ये है कि भाई सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस से अपोजिट काम कर रहे हैं ये दोनों, इनके केस में, इस यूरिनरी ब्लडर के केस में, समझ रहे हो? तो जहां सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन हाइपर कर रहा था ना, बढ़ा रहा था, वहीं ये क्या करता है, मिक्चुरेशन को घटाता है, मिक्चुरेशन को कम करता है, समझ गए? क्लियर है? और जहां पीएसएनएस सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को घटा रहा था, सप्रेस कर रहा था, वहीं ये क्या करता है, मिक्चुरेशन को बढ़ाता है, मिक्चुरेशन को बढ़ाता है। ये चीज याद रखना, ये एक्सेप्शन है, और ये बातें हम लोग बहुत बार करेंगे, पहले भी की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, दोबारा कर रहे हैं, अब आगे भी कई बार करेंगे, ठीक है, समझ गए? तो ये होता है इनका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, यानी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जिसे बोलते हैं, समझे? ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, यहां से यूरिन रिलीज किया जाएगा। कब रिलीज होगा? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब सिग्नल आएंगे और यूरिनरी ब्लडर की डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, और इंटरनल स्पिंटर में या फिर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही स्पिंटर की मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। ये चीज भी हम लोग नोट करते हैं, ये निपटाओ, हो गया? चलो, तो अब अपन बात करते हैं भाई, ये मिक्चुरेशन के दौरान होता क्या है, यानी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में क्या होगा। अब हमें अभी हम लोगों ने बात की मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट कैसे होता है, कंट्रोल कौन करता है, और बोलते किसे है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के दौरान, क्या होता है
दो काम होते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के दौरान, क्या क्या? एक तो सिग्नल जाते हैं डेट्रूसर मसल्स के पास, डेट्रूसर मसल में क्या होगा सिग्नल जाने से? कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लियर है? डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके सिग्नल जाते हैं स्पिंटर मसल्स के पास, स्पिंटर मसल्स के पास, और स्पिंटर मसल्स में क्या करवाते हैं? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। अबे गधो समझ लो, जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो यूरिन रिलीज होगा, मतलब डेट्रूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो यूरिन रिलीज होगा। रिलीज में ये दो गेट अड़े हुए हैं, इनकी मसल्स में रिलैक्स होगा, गेट खुलेंगे तभी तो यूरिन रिलीज होगा ना, समझ रहे हो ना ये चीजें? क्लियर है, कोई डाउट इनमें? चलो, तो ये है डिफरेंस मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स में, कि मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेट्रूसर मसल्स में तो क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन, और स्पिंटर मसल्स में करवाता है रिलैक्सेशन, समझ रहे हो? अब ये स्पिंटर हमारे पास दो दिए गए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर ऐसा नहीं होता ना तो भाई तुम्हें बाल्टी बांधनी पड़ती, समझ रहे हो? क्लियर है? कैसे? तो देखो, इंटरनल स्पिंटर इनवॉलेंट्री दिया, एक्सटर्नल स्पिंटर वॉलेंट्री दिया, ऐसा क्यों किया? अगर दोनों इनवॉलेंट्री देता, सोचो दोनों इनवॉलेंट्री दे दिए तो क्या होता भाई? जब सिग्नल जनरेट होते ये 250 ml हो जाता ना, तभी हमारे ब्रेन से अपने आप सिग्नल आते, हमें फील ही नहीं होता। तुम्हें फील होता है दिल धड़क रहा है तुम्हारा, हार्ट बीट कर रहा है, तुम्हें फील होता है पलकें झपक रही है, फील होता है? नहीं होता। तो देखो क्या होता है अभी, कि इनवॉलेंट्री एक्शंस फील नहीं होते, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस अगर हम लोग फील करें तब फील होते, जनरली फील नहीं होते, समझ लो। तो क्या होता है, अगर ये दोनों इनवॉलेंट्री होते तो क्या होता? सिग्नल जनरेट होते ही यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता और इनमें रिलैक्सेशन होता, दोनों ही खुल जाते, कतई हम तो भिगे भिगाए रहते, गीले गिलाए हर टाइम, समझ लो, लीक कर रहे होते, क्लियर है ना? तो बाल्टी बांध के रखनी पड़ती। अगर दोनों वॉलेंट्री होते तो क्या होता? दोनों वॉलेंट्री होते तो भाई कई बार हम लोग क्या सोच लेते, चलो थोड़ी देर बाद करके आते, है ना, थोड़ी देर रुक जाते फिर करके आते, चलो इसके साथ करके आएंगे, कंपनी मिल जाएगी, खड़े खड़े बोर नहीं होंगे, सोच लेते हैं, इंसान है क्या करें। तो देखो अगर ऐसा होता, दोनों वॉलेंट्री होते, तो कुछ ऐसे जीव भी है हमारे इंसानों में जो इसको कतई रोक के बैठ सकते ना, आनी कौन दू माई मोस के मारसू, मतलब अंदर ही रखूंगा, ठीक है, बाहर आने ही नहीं दूंगा। अब अगर ऐसे इंसान हो जाए कि भाई अंदर ही रख ले, दोनों स्पिंटर वॉलेंट्री है और इनको बंद ही रखे, ठीक है, खुलने ही ना दे, अब दोनों स्पिंटर बंद खुल नहीं रहे हैं और यहाँ यूरिन भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, हो सकता है 800-1000 ml होने के बाद और भर रहा हो तो फट जाए यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें, और ये फटने से हम लोग सल्ट जाए, तो हम खुद को सल्टा लेते अगर दोनों वॉलेंट्री देते। तो भगवान ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री दे दिया, तुम्हें मरने से और बाल्टी बांधने से बचा लिया, समझ रहे हो? कैसे बचाया भाई? पहला इनवॉलेंट्री दे दिया, जब यहाँ यूरिन फिल होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, समझ रहे हो, तो एक लिमिट आने के बाद ये अपने आप खुल जाएगा, ये खुल जाएगा मतलब इस पे प्रेशर बन गया, तुम्हें पता चल गया यूरिन यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, ठीक है, और अब टाइम मिक्चुरेशन का है। ये वॉलेंट्री दिया, ये किस लिए दिया? ये तुम्हें वॉलेंट्री इसीलिए दिया है कि भाई तुम लोग जगह ढूंढ लो, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि यहाँ बैठे मिक्चुरेशन का प्रेशर बना, मिक्चुरेशन की फीलिंग आ रही है, चलो पलटा दिया काम, नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग। हम इंसान हैं, सामाजिक जीव हैं, एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है, वहां जाकर के ये काम करते हैं, ठीक है। तो भाई ये वॉलेंट्री इसीलिए दिया कि कुछ समय मिल सके तुम्हें उस जगह तक पहुंचने के लिए, जिसे हम लोग शौचालय बोलते, टॉयलेट, ठीक है, और टॉयलेट में जाने के लिए टाइम मिल सके, तुम्हें जगह ढूंढने का टाइम मिल सके, इसीलिए इसको वॉलेंट्री बनाया गया, समझ रहे हो? लिख लो बोले, ये जगह ढूंढने का टाइम मिल जाए इसलिए वॉलेंट्री दिया है, समझ गए? ये होता है मिक्चुरेशन के दौरान, समझ रहे हो ना? तो मिक्चुरेशन समझ आया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स समझ आया, मिक्चुरेशन कैसे होती है ये समझ आया, क्लियर है, समझ रहे हो? चलो अब वो पॉइंट लिख लेते हैं कि आर्ग ऑफ मिक्चुरेशन,
मूत्रने की इच्छा, सॉरी मतलब पेशाब करने की इच्छा, यूरिन रिलीज करने की इच्छा कब जनरेट होती है? आर्ग ऑफ मैच्योरेशन। आर्ग ऑफ मैच्योरेशन जनरेटेड जनरेटेड इवन इफ देयर इज 250 ml of urine is filled in urinary bladder. अगर urinary bladder में 250 ml urine भी भरा है ना, तभी arg of micturition generate हो जाएगी, मतलब micturition की इच्छा होने लगेगी हमें, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये निपटा लो तुम लोग, ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी है जल्दी निपटाओ इसे। हो गया, चलो, तो ये था मिक्चुरेशन और यहां कंप्लीट होता है हमारा यूरिनरी ब्लडर। अब हम लोग लास्ट पार्ट जो है यूरेथ्रा वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल।